गीता सार नामक दूसरे अध्याय में गीता के संपूर्ण ज्ञान का संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया। हताश अर्जुन नम्रता पूर्वक श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वाधिक मूलभूत तत्वों को प्रस्तुत करने का निवेदन करते हैं। तब श्री कृष्ण इस ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग की व्याख्या करते हैं और अंत में उस व्यक्ति के लक्षण बताते हैं जिसने इस सत्य का पूर्णतः आत्मसात कर लिया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मानसिक दुर्बलता के कारण मैं भ्रमित हो गया हूँ और मेरे मन का संतुलन नष्ट हो गया है। कृपया निश्चित रूप से बताएं कि इन स्थिति में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हूँ, कृपया मुझे आदेश दें। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष निवेदन करते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 10। गुरु, अर्जुन युद्ध न करने के लिए कटिबद्ध थे परंतु साथ ही विदीर्ण और भ्रमित भी थे। वे नम्रता पूर्वक श्री कृष्ण के पास आए और कहा, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कृपया मुझे ज्ञान देकर इस दयनीय अवस्था से मेरा उद्धार करें। अर्जुन के द्वारा हमें आध्यात्मिकता का पहला बुनियादी सिद्धांत समझ आता है। हमें प्रामाणिक परंपरा में आए ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जिसने आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मसात कर लिया है। जीवन में अधिकांश बातों के लिए एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक जीवन इसका अपवाद नहीं है। कोई व्यक्ति कह सकता है, आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए जो भी आवश्यक तत्व है वे उसके भीतर है और उसे गुरु की आवश्यकता नहीं, परंतु अपनी शुद्ध अंतर चेतना को जागृत करने के लिए तो उसे किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। कहा जाता है, खुद को अपना गुरु बनाने वाला व्यक्ति एक मूर्ख को अपना शिष्य बना लेता है। श्लोक क्रमांक 11 से 30। पहचान, श्री कृष्ण आध्यात्मिक जीवन के सर्वाधिक मूलभूत तत्वों का निरूपण करते हुए अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ करते हैं। जिस प्रकार एक चालक कार चलाता है अथवा पक्षी पिंजरे में रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर का उपयोग करता है। शरीर में रहते हुए भी हम इससे भिन्न हैं। हम कार्य करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने तथा अपने चारों ओर फैले विश्व के साथ व्यवहार करने के लिए शरीर से कार्य लेते हैं। जब तक हम आत्मा के रूप में अपनी सच्ची पहचान को नहीं पहचानते, हमें पुनर्जन्म के चक्र में अस्वाभाविक भौतिक शरीर लेते हुए इस संसार में सुख दुख भोगना पड़ेगा। गुरु हमें सर्वप्रथम यही ज्ञान देते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। दिखने में यह ज्ञान अत्यंत सामान्य तथा मौलिक दिखेगा, परंतु विरलय लोग इस ज्ञान को समझकर इसका साक्षात्कार कर पाते हैं। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर वस्तुतः आत्मा को मुक्त कर सकता है। यह ऐसा उत्तर है जो बार बार सुनने योग्य है। आप पूछेंगे कि असली दुनिया में यह ज्ञान किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा। श्लोक क्रमांक 31 से 53। दो कर्तव्य, श्री कृष्ण जीवात्मा के दो प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन करके इसका उत्तर देते हैं। सामान्यतया धर्म का अनुवाद कर्तव्य के रूप में किया जाता है, परंतु गहराई से देखा जाए तो धर्म किसी वस्तु का वह गुण है जो कभी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम आत्मा का स्वधर्म होता है। इसमें परिवार, मित्रों तथा समाज के प्रति सांसारिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व आते हैं। इसके बाद आत्मा का एक सनातन धर्म है जिसके अंतर्गत उसका भगवान, प्रकृति तथा अन्य समस्त आत्माओं के प्रति संबंध आता है। व्यक्ति को चाहिए कि दोनों कर्तव्यों का साथ साथ पालन करे। अनेक लोग अपने स्वधर्म में अत्यधिक व्यस्त होकर अपने सनातन धर्म की उपेक्षा करते हैं, जबकि कुछ लोग अपरिपक्व अवस्था में अपने स्वधर्म का त्याग करके स्वयं को सनातन धर्म में लीन करने का घातक प्रयास करते हैं। सजग रहकर दोनों कर्तव्यों का पालन ही प्रगति का मार्ग है और यह मार्ग
मनुष्य को सुख तथा संतुलित भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन की ओर ले चलता है। दृढ़ संकल्प तथा उत्साह पूर्वक इन कर्तव्यों को करने से व्यक्ति को क्या परिणाम मिलता है? ऐसा व्यक्ति आत्माराम बन जाता है। श्लोक क्रमांक 54 से 72। आत्माराम, आत्मा में ही आनंद प्राप्त करने वाला आत्मज्ञानी। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माराम सुख दुख लाभ हानि सम्मान अपमान से अप्रभावित रहता है। इस संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति भय आसक्ति तथा क्रोध से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद तथा दिव्य चेतना में लीन रहता है। आपूर्यमानं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार समुद्र अपने भीतर निरंतर नदियों के प्रवाह को समेटते हुए भी शांत रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य का मन नदियां रूपी इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, केवल वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ से अंत तक संक्षिप्त वर्णन करते हैं। किंतु एक दृष्टि से आध्यात्मिक यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यहीं से ही सच्चा जीवन आरंभ होता है। प्रॉब्लम्स मेरी और आपकी लाइफ में आती रहती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, चीटिंग इन आवर जॉब, बिजनेस, फेलियर इन स्टडीज, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ में अगर हैप्पी और सक्सेसफुल होना है तो इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। भगवद गीता की सिस्टमेटिक स्टडी से इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना हम सीख सकते हैं। जैसे एक एरोप्लेन जब उठता है तो पहले टेक ऑफ करता है। जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तो जो बिल्डिंग्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट लगने लगती हैं। हालांकि बिल्डिंग की साइज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन कितनी ऊंचाई तक जाना उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। उसी प्रकार लाइफ में भले ही प्रॉब्लम्स कम ना हो, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस को इन प्रॉब्लम से इतना ऊपर उठा सकते हैं कि हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो सकता है। अर्जुन डिप्रेस्ड थे, लेकिन भगवान कृष्ण से जब उन्होंने भगवद गीता सुना तो उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। हालांकि कुरुक्षेत्र का मैदान भी वही था और आजू बाजू की परिस्थिति भी वही थी। तो अगर आप प्रॉब्लम्स को मैनेज करना चाहते हो तो भगवद गीता की सिस्टमैटिक स्टडी करके एक अप्रोप्रिएट लेंस चूज करके अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। भगवद गीता में इन 5 सब्जेक्ट पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। हु एम आई, वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग हियर, हाउ लॉन्ग एम आई हियर एंड इज देयर समथिंग बियॉन्ड। इन 5 सब्जेक्ट पैटर्न्स की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए इस्कॉन अहमदाबाद की ओर से एक कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है भगवद गीता फाउंडेशन कोर्स। और जो लोग इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं उन सबको एक भगवद गीता गिफ्ट में भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर कीजिए। हरे कृष्णा। अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव रहा है।
જે આપણે કઈ રીતે લાઈફ જીવવી જોઈએ એ અહીંયા આઈને તમે શીખી શકો છો. અગર આપકો અપને આધ્યાત્મિક જીવન કે તો તારા લગા હુઆ હૈ ઉસકી ચાવી ચાહીએ તો યે ફાઉન્ડેશન કોર્સ હૈ જો ઉસકી ચાવી બનેગા તો આઈએ દોસ્તો ઇસ ચાવી કો લીજીએ ઓર અપને આધ્યાત્મિક જીવન કે તારા લગા હુઆ હૈ ઉસકો બોલીએ.